हिंदुस्तान 18वीं शताब्दी, इतिहास का वो दौर जहां एक ओर मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था तो दूसरी ओर मराठा साम्राज्य अपने पैर जमा रहा था। उसी वक्त भिन्न प्रांतों के राजाओं और महाराजाओं के आपसी कलह ने पूरे हिंदुस्तान को तोड़कर रख दिया था। और यही उदय होता है उस योद्धा का जिसने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। लेकिन ये कहानी तलवार की ताकत से इतिहास लिखने वाले उन वीरों की नहीं है, बल्कि अपनी सूझबूझ और प्रतिभा से भारतीय इतिहास की धारा को मोड़ने वाली काशीबाई की है, जो आगे चलकर मराठों के इतिहास के माथे पर सौभाग्य का टीका बनकर चमकती है। और वीर पेशवा बाजीराव बल्लाल की पत्नी काशीबाई बाजीराव बल्लाल कहलाती है। और इस सौभाग्य के टीके की चमक महाराष्ट्र के चास कमान से उठकर पूरे भारतवर्ष में फैल गई। मालकिन, हम हमेशा ध्यान रखते हैं, लेकिन इस बार लाडू भाई ने हमें धोखा दे दिया है। अब हमें समझ में आ रहा है कि वो हमारे ही सामने से चादर ओढ़कर निकल गई और हम समझ भी नहीं पाए। एक काम ढंग से नहीं होता, घर में अष्टमी की पूजा है और घर की लक्ष्मी कहाँ चली गई ये किसी को पता ही नहीं।
काशी कुठे गेली काशी? इतनी घबराई हुई क्यों हो शू भाई? काय झालं एवढं? ताई वो लाडू लाडी बाई साहेब भाई साहब, वो लाडू भाई घोड़े पे बैठी घुड़सवार कर रही है। लाडू घोड़े पर? शु भाई कोणी बसवलं तिला? हाँ चिंता करू नका बाई साहब, रामदादा स्वयं उनके साथ घोड़े पर है। घोड़े पर बैठने की चाहत थी काशी की। उसे क्या पता था कि उसकी ये चाहत पूरे मराठा साम्राज्य की लगाम थामने वाले के साथ जुड़ने वाली है। लाडू तू ठीक तो है ना? राम आपको क्या जरूरत है हमें घोड़े पर चढ़ाने की? हम गिर जाते तो? हमें चोट लग जाती तो? अरे लाडू रुक, देखने दे तुझे कहीं लगी तो नहीं? हे देवा, देवी माँ आपका। देवी माँ शुक्र है कि मैं ठीक हूँ। ऐसा ना किया करो, करो ना कुछ, मैं तो छोटी बच्ची हूँ। राम दादा आपको तो सोचना चाहिए था ना कि महर्षि जोशी की बेटी अब घोड़े की सवारी करेगी। पालकी धोने वाले सब सो गए हैं क्या? लाडू राम लाड़ी का आदेश होते आई और मेरी लाड़ी का आदेश हुआ ना तो घोड़े पर क्या शेर की पीठ पर भी चढ़ा दे उन्हें। छोटी आई इसमें राम दादा की कोई गलती नहीं है और वाड़े में पालकी भी है, किंतु हमें ये देखना था कि राम दादा घोड़े पे बैठ सकते हैं तो हम क्यों नहीं।
माजी लाडू सुन, राम दादा घोड़े पे बैठ सकते हैं क्योंकि घोड़ा राम दादा की सवारी है और पालकी तुम्हारी। हमारे घर की औरतें लड़कियां ऐसे घुड़सवारी नहीं करती। अभी तुम्हारे बाबा को पता चल गया कि तुम ऐसे घुड़सवारी करते हुए घूम रही थी तो वो क्या कहेंगे? कहेंगे क्या, खुश होंगे कि उनकी लाडू भाई घोड़े की सवारी भी कर लेती है। अच्छा, मैं अभी बताती हूँ तुम्हारे बाबा को। छुट्टिया, आप हमें ऐसे डराओ मत। हमको पता है कि बाबा अपने मित्र बालाजी विश्वनाथ से मिलने गए हैं। चला आ जाओ। कौन है आप? पालखी में महाजी पंत जोशी आए हैं, चास कमान वाले। क्षमा चाहते हैं, सरकार सुबह ही पड़ोस के गांव में निकल पड़े हैं। सूचना मिली थी कि डाकू सुभान का एक दल वहां लूटपाट कर रहा है। अरे वो देख, चास कमान वाले महर्जी जोशी आए हैं अपने सरकार बालाजी विश्वनाथ से मिलने। अरे दोनों पुराने मित्र हैं। फिर भी इतने बड़े सरकार का यहाँ तक आना बहुत बड़ी बात है। हमारे मित्र बालाजी राव पर हमें पूरा भरोसा है कि वो उन डाकुओं को उनके की का दंड अवश्य देंगे। हम कल फिर मिलने आएंगे। चला पालकी फिरवा। मित्र, अहो भाग्य हमारे जो आप जैसे बड़े साहूकार हमारी छावनी में पधारे। मैं तो स्वयं आपसे मिलने आने ही वाला था। मित्रता में क्या छोटा और क्या बड़ा, मित्रता में तो बस कले मिलकर सब एक बराबर हो जाते हैं। बड़ा आदमी बड़ा साहूकार अपनी जगह और आपकी मित्रता अपनी जगह। मित्र, मैं स्वयं चास कमान आकर आपसे भेंट करने ही वाला था, परंतु आपने यहां आकर बड़ी कृपा की। एक विशेष विषय पर आपसे वार्ता करनी थी। अवश्य मित्र। लाड़ी इकड़े है। लाडू नजदीक आओ, बैठो मेरे पास। अब बताओ, लाडू ने रामदादा से जिद क्यों की घुड़सवारी पर जाने के लिए? लाडू, अगर लोग तुम्हारी जिद का ध्यान रखते हैं तो लाडू को भी चाहिए कि ऐसी जिद ना करे जिसे लोग मना कर दे। इस वाड़े में तुम्हारी खेलने की हर एक वस्तु तुम्हारे मांगने से पहले लाकर रख दी जाती है, फिर तुमने घुड़सवारी पर जाने की जिद क्यों की? बोलो लाड़ी, घोड़ा तुम्हारे सैर सपाटे के लिए नहीं है, कहीं गिर जाती चोट लग जाती तो? और अगर तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे तो तुमसे विवाह कौन करेगा? फिर छोटी आई, विवाह के लिए कोई घुड़सवार लड़का ही ढूंढना पड़ेगा। घुड़सवार? हाँ, क्योंकि उसे घोड़े से गिरने का डर पता होगा ना। इतनी छोटी उम्र में इतनी अच्छी घुड़सवारी, और सुना है राहु अपने पिता का साथ भी देते युद्ध में। सुनकर गौरव और हर्ष का अनुभव हुआ। बालाजी राव अद्भुत प्रतिभाशाली पुत्र हैं आपके। प्रतिभाशाली तो है, परंतु अभी तक इसका प्रशिक्षण पूर्ण नहीं हुआ है। मित्र, घोड़ा चला लेता है, तलवारबाजी भी ठीक ठाक कर लेता है, परंतु केवल इतने से ही कोई योद्धा पूर्ण योद्धा नहीं हो जाता बाजीराव। क्योंकि जब तक तुम घोड़े की लगाम छोड़कर
दोनों हाथों में हथियार लेकर लड़ने का हुनर सीख नहीं लेते तब तक पूर्ण योद्धा नहीं कहलाओगे। बालाजी राव, वो हुनर भी आ जाएगा। बाजीराव, मुझे आपके काका से कुछ विशेष वार्ता करनी है। जी बाबा। बाजीराव के लक्षण देख के मैं कह सकता हूँ बालाजीराव कि आने वाले समय में आपका पुत्र एक वीर योद्धा बनेगा जिसके वीरता की कहानियों से इतिहास की पुस्तिकाएं भर जाएंगी। ये सभी ये हमारे सीमावर्ती गांव हैं, जहां पे इन डाकुओं ने आतंक फैला रखा है। आए दिन लूटपाट करते फिरते हैं वहां पर, और करे भी क्यों ना, सबको पता है कि छत्रपति शाहू महाराज के राजघराने के आपसी झगड़े के कारण राज्य की शासन व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। इसलिए इस विषय में मैं छत्रपति शाहू महाराज से मिलने भी गया था। हाँ, उन्होंने मुझे एक नई सेना के निर्माण का आदेश दिया है, परंतु परंतु क्या मित्र? परंतु ये महाराज जी कि एक नई सेना के निर्माण के लिए बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता पड़ती है, और इतना धन इस समय मेरे पास है नहीं। आपका व्यवसाय यहां से लेकर कल्याण तक फैला हुआ है, इस पूरे क्षेत्र में आपसे अधिक धनी साहूकार शायद ही कोई होगा। आप मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, तो भी ये बात कहते हुए आपसे संकोच हो रहा है मुझे। इस नई सेना के निर्माण के लिए आपसे धन की सहायता का अनुरोध करता हूं। बालाजी राव, आप मेरे मित्र हैं, किंतु इस मित्रता के अलावा मैं एक व्यापारी भी हूं। राजनीतिक मामलों में किसी एक की मदद करके दूसरों को दुखाना नहीं चाहता, इसलिए इस विषय पे सोचने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। लाडू बग कितने सुंदर आए! कल की पूजा के लिए ये सारे वस्त्र तुम्हारी पसंद से ही बनवाए गए हैं। सुबह और रात में क्या पहनना है मुझे बता देना, उस पर धोबी से गरम लोहा चलवा दूंगी मैं, तब तुम्हारे वस्त्र और सुंदर लगेंगे। छोटी आई, सुबह तो मोटी आई जो कहेंगे वो हम पहन लेंगे, किंतु रात्रि की पूजा के लिए पहले गागर आएगा, तभी तो हम बता पाएंगे कि हम कौन सा वस्त्र पहनेंगे। और देखे ना बाबा, अभी तक हमारे गागर लेकर नहीं आए ना शिवा, हम दोनों आई बाबा से बात नहीं करेंगे। ये तो गलत बात है ना दादा साहब, सारे शिविर में चर्चा है कि कोई बड़े इंसान, चास कमान के सबसे बड़े व्यापारी स्वयं चलकर यहाँ आए हैं। मैंने बाजी से पूछा तो पता चला कि आप आए हैं, उस पर अन्याय ये कि आप कह रहे हैं कि बिना कुछ जलपान किए चले जाएंगे। वही नहीं, अन्याय तो आपने भी किया है मित्र, आपने बताया नहीं आप सब परिवार इस सैन्य शिविर में आके ठहरे हो। आप तो देख ही रहे हैं, जब से यहाँ आया हूँ इन सैन्य गतिविधियों में उलझा हुआ हूँ। आप योद्धा हैं, आप ऐसे ही उलझे रहेंगे, किंतु वहनी मैं आप सबको आतिथ्य के बिना यहाँ से नहीं जाने दूंगा। कल हमारे यहाँ नवरात्र अष्टमी की पूजा है, आप सबको पधारना होगा महालक्ष्मी के दर्शन हेतु। आप इतना विनय पूर्वक निमंत्रण दे रहे हैं, कैसे टाल सकते हैं, नक्की हुआ मैं। अब आज्ञा दीजिए।
कल आप सबसे भेंट होंगी। चास कमान पहुंचने के पहले हमें अपने लाडू के लिए घाघर भी लेते हुए जाना है। अगर लाडू इधर आओ, कब तक खड़ी रहेगी? बड़ी माँ, बाबा अभी तक नहीं आए। हम अपने बाबा की राह देख रहे हैं, वो हमारे लिए घाघर लाने वाले थे। घाघर आ भी जाएगी तो कल पूजा में तुम उसमें फूंक नहीं मार पाओगी। क्यों? घाघर तो वो लड़कियाँ फूंकती हैं जिनका विवाह हो गया हो, और तुम्हारा विवाह तो हुआ नहीं। किंतु विवाह से क्या, बाबा कहते हैं कि हम सब देवी के लिए एक समान है, इसीलिए हमें भी घाघर चाहिए। अगर हम घाघर नहीं फूकेंगे तो इस वाड़े में कोई भी घाघर नहीं फूकेगा। लाडू, मोठी आई से ऐसे बात करते हैं, काय करता कि नहीं तुला? तो क्या करें, घाघर फूकने के लिए विवाह कर ले क्या, फिर लाओ दूल्हा कर लेता है विवाह। मालक कहाँ गए लाडू भाई? बाबा, हमारे घाघर। लाडू, बाबा अभी अभी आए हैं, थोड़ा स्वास्थ्य तो लेने दे। बाबा, हम कितने देर से आपकी राह देख रहे थे। अच्छा बताएं, हमारे घाघर कहाँ है? सुबह से एक ही रट लगा रखी है कि हमारी घाघर कब आएगी, हमारी घाघर कब आएगी। अब दीजिए इसकी घाघर। लाडू, हम गए तो थे घाघर लेने, लेकिन स्वर्णकार के पास इतनी सारी घाघर थी कि मुझे समझ नहीं आया कि इसमें से हमारी लाडू को कौन सी घाघर पसंद आएगी। फिर? हाँ, फिर मैंने सारे स्वर्णकारों से कह दिया, जिसके पास जितनी भी घाघर है सब लेके कल सुबह हमारे वाड़े पे आ जाए, हमारी लाडू खुद अपने लिए पसंद करेगी उसमें से। आपने वचन दिया था कि आप लौटे से मैं हमारे लिए घाघर लेकर आएंगे, और आप बहाना कर रहे हैं। लाडू, लाडू, बाबा ने आपको वचन दिया है ना, और पूजा तो कल सुबह है, फिर बाबा का विश्वास नहीं, और ऐसे हर बात पे रोया नहीं करते। अब बच्चे रोए भी नहीं, बच्चे तो रोते ही है ना। लेकिन हमने ऐसे बच्चे देखे हैं जो कभी नहीं रोते। कौन ऐसा बच्चा है जिसे रोना भी नहीं आता? मालाजी विश्वनाथ का बेटा बाजीराव बल्ला है। तो क्या वो कभी रोता नहीं? क्यों? क्योंकि वो बहादुर है। तो जो रोते हैं वो बहादुर नहीं होते, तो आप हमें क्यों कहते हैं कि हम आपकी बहादुर बेटी है? आप मेरी बहादुर बेटी हो, लेकिन वो बहादुर के साथ साथ योद्धा भी तो है, तलवारबाजी जानता है, घुड़सवारी जानता है। वो तो आपके अंगरक्षक भी जानते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और अगर वो सचमुच बहुत अच्छे घुड़सवारी और तलवारबाजी जानता है तो उसे आप अपनी नौकरी पे रख लीजिए। अरे, किंतु हमें नहीं चाहिए ऐसे बाजीराव जैसा अंगरक्षक, हमें तो बस हमारे घाघर चाहिए। ठीक है मेरी लाडू, कल पूजा के पहले तुम्हारी घाघर भी आ जाएगी, बाजीराव भी। क्यों, उसे सचमुच अपना अंगरक्षक बनाएंगे? नहीं नहीं, वो तो अपने माता पिता और भाई बहन के साथ हमारे निमंत्रण पर यहाँ आएगा, अष्टमी की पूजा में उपस्थित होने। किंतु ये तो गलत है ना बाबा। क्यों? हमारे घर में पूजा है और अब ऐसे उसकी प्रशंसा करते रहे तो सब उसके तलवारबाजी और घुड़सवार ही देखेंगे, हमारे घाघर तो कोई नहीं देखेगा। और वो अपनी घुड़सवारी और तलवारबाजी भूलकर तुम्हारी घाघर देखने लगे तो? जिस घाघर को अभी तक हमने नहीं देखा, कैसे पता कि वो देखने लगे? चाहिए, हमें अब से बात नहीं करनी। लाडू, सुनो लाडू। मैं देखता हूँ। भाऊ, कल हम लोग चास कमान जा रहे हैं ना? भाऊ, महार जी का तो बहुत धनवान है ना,
उनका घर बहुत बड़ा है भाऊ, उनके यहाँ तो सब कुछ मूल्यवान होगा ना। हो सकता है। हो सकता है नहीं भाऊ, होगा, क्योंकि मैंने तो सुना है कि उनके बेटे काशी के पास घोड़ा भी है, कबूतर भी है और तरह तरह के खिलौने और हर तरह के खाने की चीज और अच्छे अच्छे आभूषण और कपड़े सब कुछ। चीमा जी, वो लोग बड़े लोग हैं और हम योद्धा। काशी की तरह हमारा जीवन नहीं हो सकता, इसलिए ना हमने हमारे मन में उन सारी इच्छाओं को रखना है जो काशी के पास है। सारी वस्तुएं काशी को ही मुबारक, हमें तो बस अपनी तलवार, अपने घोड़े और अपने कर्तव्य से लेना देना है। सारी मूल्यवान वस्तु उनके पास ही रहने दो, अपने दिमाग में मत लाओ। और कुछ सोचना ही है तो तलवारबाजी और घुड़सवारी के बारे में सोचो। अम्मा, कहाँ जा रहे हो? ये अष्टमी पूजा के फूल हैं, इसे महर्जी के वाड़े पे पहुंचाने का निर्देश है। चुपचाप गाड़ियों से नीचे उतरो। हमें रुक के क्या मिलेगा भाई? धन। धन मिलेगा, धन। सुना है बहुत धन है महाजी के चासवाड़े में। फूलों की गाड़ी लेकर जाएंगे और धन लेकर आएंगे। अरे ये डाकू सुभान है। सुनो, तुम शिविर जाओ और अभी सारी सैनिकों को लेकर आओ, तब तक मैं इन्हें रोकता हूँ। किंतु भाव, रास्ता याद नहीं है। मेरे घोड़े को रास्ता याद है, तुम बस बैठे रहना, वो तुम्हें लेकर चला जाएगा। और लगाम अपने हाथ में रखना। अम्बुद, चिमा जी को शिविर तक ले जाओ। सुभान है। मैं सुभान हूँ। और तुम लोग हमें ज्यादा दिनों तक बंदी बनाकर नहीं रख सकते, क्योंकि अब यह तुम्हारा नहीं, हमारा क्षेत्र है। कितने दिनों से हमारे सैनिक तुम्हें ढूंढ रहे थे, आखिर तुम पकड़ में आ ही गए। इसको बताना आवश्यक है कि कौन सा किसका क्षेत्र है। घेऊन चला याला शिविरात। बाजीराव बल्लाळ की जय। बाजीराव बल्लाळ की जय। बाजीराव बल्लाळ की। चास कमान में ये सैन्य शिविर ये सोचकर लगाया था कि महाजी से भेंट का कोई अवसर बन जाएगा और मराठा साम्राज्य के सेना गठन के लिए उनसे सहायता की बात कर लूंगा। ये योजना तो पूर्ण रूप से असफल हो गई। सच कहूं राधा, तो मुझे बहुत आशा थी कि महाजी सेना गठन के लिए धन देने के लिए मान जाएंगे, परंतु उन्होंने तो लगभग मना ही कर दिया। अब ऐसे में अष्टमी पूजा के लिए चास्कमान जाना थोड़ा अजीब सा लग रहा है। किंतु हमें जाना होगा।
धन की आवश्यकता हमें है, तो धन देने के लिए महाराज जी को हमें ही मनाना होगा। कैसे? मेहनत से उन्हें समझाना होगा। मुझे नहीं लगता राधा वो मानेंगे। परंतु उन्हें समझाना ही होगा, उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि उनके सहयोग से मराठा साम्राज्य का भविष्य सुरक्षित हो सकता है, यहाँ की जनता चैन की सांस ले सकती है। फिर भी नहीं माने तो फिर दूसरा तरीका अपनाना होगा। कौन सा तरीका? चास चलते हैं। अष्टमी की पूजा के दिन देवी माँ की कृपा रही तो कोई ना कोई तरीका तो समझ में आ ही जाएगा। किंतु वहां से खाली हाथ नहीं लौटेंगे। ये ठीक है कि लाड़ू के बाबा और बालाजी मित्र हैं, किंतु बालाजी हैं तो योद्धा ही ना, और इतने बड़े साहूकार होकर लाड़ू के बाबा का उनके पास जाना मुझे उचित नहीं लगा। गए तो गए, लेकिन उन्हें पूजा में आने का निमंत्रण भी दिया है, मतलब अब हम उनका आतिथ्य करें? बालाजी और उनके परिवार की इतनी हैसियत नहीं कि उनका स्वागत जोशी परिवार करे। हैसियत तो नहीं, किंतु अब लाड़ू के बाबा ने निमंत्रण दे ही दिया है तो उनकी बात का मान तो रखना ही पड़ेगा ना। हाँ ताई, लेकिन इस पूजा के बाद हम उनसे कह देंगे कि अपनी मित्रता बाहर ही निभाएं। जो लोग इस लायक नहीं, हमें उनसे कोई संबंध नहीं रखना। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, लेकिन सुभान को कैद करके कोई भी ज्यादा दिनों तक खुश नहीं रह पाएगा। तो हमें क्या करना होगा? इंतजार, इन्हीं के बीच रह के सही मौके का इंतजार करना होगा, और सही मौका मिलते ही हम इन लोगों से इनकी खुशियां छीन लेंगे। अरे हाँ, वहाँ क्या कर रहे हो? जाओ फूल उठाओ जल्दी, समय नहीं है। अरे वाह, ये फूल कहाँ से लाए? ये तो बहुत उत्तम और ताजा लग रहे हैं। वाड़े में सब चुनिंदा ही आते हैं, किंतु कल रात इन फूलों के साथ कुछ कांटे भी आने वाले थे। अरे कल रात डाकू सुभान अपने गिरोह के साथ इन फूलों के गाड़ियों में छुप के आने वाला था, लेकिन अच्छा हुआ बालाजी पुत्र बाजीराव ने उन्हें रस्ते में ही दबोच लिया। बाप रे बाप, बाजीराव इतना बहादुर है? अरे हाँ भाई, सुभान को धर दबोचा। बाजीराव तो इतना बहादुर है, इतनी छोटी सी उम्र में अपने पिताजी के साथ लड़ने जाता है। सुना है पूजा में बालाजी विश्वनाथ भी आ रहे हैं अपने पुत्र बाजीराव के साथ। आज ये सब लोग हमारी पूजा में शामिल होने नहीं, बल्कि बाजीराव को देखने आए हैं। देखना चाहते हैं कि एक छोटे बच्चे ने कैसे एक दुर्गम डाकू सुभान को पकड़ लिया। मैं तो ये सोच रही हूँ कि राधाबाई का दिल कितना मजबूत है, जिस उम्र में माए बच्चों को अपनी आंखों से दूर नहीं होने देती, जिस उम्र में मन बहलाने के लिए बच्चों के हाथों में खिलौना दिया जाता है, उस उम्र में बाजीराव के हाथ में तलवार पकड़वा दी। मैं तो अपनी लाड़ू को घर जाने की कल्पना से भी घबरा जाती, लेकिन राधा भाई तो नहीं तैयार होंगे, नहीं तैयार होंगे। जब तक गागर नहीं आएगी नहीं तैयार होंगे। पूजा बस आरंभ ही होने वाली है, कहाँ है हमारे गागर? और आप लोगों को हमारे नहीं सिर्फ बाजीराव की फिक्र है, और जिसे देखो बाड़े में बाजी बाजी कर रहा है। आज घाघर फूकने की जगह उसकी तलवार फूकेंगे। नहीं नहीं लाडू, तुम घाघर ही फूकोगी। अच्छा, हम क्या दिखाएंगे उसे? वो तो अपनी तलवार दिखाएगा, हमारे पास तो घाघर ही नहीं है। आप लोगों को हमारी कोई चिंता नहीं है। लाडी को क्यों ऐसे लगता है कि हमें उसकी चिंता नहीं है? और बाजीराव को दिखाने के लिए घाघर की क्या आवश्यकता है? हमारी लाड़ी का ये सुंदर सा चेहरा काफी है उसे प्रभावित करने के लिए। बाबा, अब हम पूजा में नहीं आएंगे। अगर आपने हमें घाघर लेकर नहीं दी तो हम नहीं चाहते कि लोग हमारे घाघर की जगह बाजी को देखें।
यहाँ आइए। बालाजी बल्लाल की जय। बाजीराव बल्लाल की जय। बालाजी बल्लाल की जय। बाजीराव बल्लाल की जय। बाजीराव बल्लाल की जय। ये घाघर दिखाएंगे हम बाजीराव को। हमें इसमें से कोई भी पसंद नहीं, अमला एक पनावड़ली नहीं। लड़ू कैसे झालं? एक भी घाघर पसंद नहीं आई? नहीं, हमें इनमें से कोई भी पसंद नहीं। ही बग, ऐसी तो किसी के पास नहीं होगी। नहीं चाहिए। ही बग, कितनी छान है। बेकार है। ही आवड़ली चमक ही नहीं है इसमें। लाडू देखो, ये सब घाघर हमारी लाडू के लिए है। स्वर्णकारों ने तुम्हारी पसंद से बनाया लाडू। बनाए होगी, सुंदर भी लगती होगी सबको, किंतु वैसे नहीं है जैसी हमें चाहिए। हमारे लिए सब बेकार है। ऐसा भी क्या लाड, इतनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर घाघर रखी है, इनमें से कोई भी उठा लो। अच्छा, फिर तो आप युद्ध करने के लिए कोई भी तलवार उठा लेते होंगे ना? नहीं, वो तो एक योद्धा की पसंद के ऊपर है। तो घाघर का चुनाव भी पूजा करने वाले के पसंद के ऊपर ही है। जिस तरह किसी भी तलवार से युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है, तो उसी तरह कोई भी घाघर फूंक कर पूजा नहीं की जा सकती है। ये मेरी लाड़ी है बाजीराव, इसे इतनी आसानी से कुछ पसंद नहीं आता। पसंद करने की इच्छा से देखा जाए तो कोई ना कोई घाघर पसंद आ ही जाएगी, वरना कितने भी स्वर्णकार आके चले जाए, अच्छी घाघर कभी नहीं मिल पाएगी। और ये तो बस एक घाघर है, कोई तलवार नहीं जो इतनी बारीकी से चुनी जाए। लड़कियों तो तब ना समझ पाते कि अच्छी और पसंद की घाघर किसे कहते हैं। डाकू पकड़ना और घाघर पसंद करने में अंतर होता है। सही कहा काशी ने, दिन भर घोड़े की पीठ पर रहने वाले को क्या पता लड़के की पसंद नापसंद क्या होती है। तो इन्हें कुछ सिखाया ना, कल को इनका विवाह होगा तो अपनी पत्नी की पसंद नापसंद की भी इनको कोई चिंता नहीं होगी। किंतु हमें अपनी बेटी की चिंता तो है। बताओ लाडू, तुम्हें कैसे घाघर चाहिए? जो भी पसंद हो, अब हम इन्हें हमारे घाघर नहीं दिखाएंगे। अच्छा, मत दिखाना, किंतु कहो तो सही कि कैसी घाघर चाहिए। हमें चाहिए हमारे घाघर में हो हमारा पूरा चासवाड़ा हो, और उसमें छोटी आई मोटी आई बाबा कृष्ण भाऊ राम दादा बाला दादा सब लोगों, और चारों तरफ से फूल खिले हो। साई दो जीरियो साई साजीरियो मुझे काशी बाई।
तुम इसलिए भाग रही हो ना क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें पकड़ सकता हूं। ऐसे तो कोई भी पकड़ सकता है, लेकिन खेल में हमें नहीं पकड़ सकते। कौन सा खेल? आंख मिचल, पता है? हाँ बाजीराव, इस खेल में हमारी बेटी को कोई नहीं हरा सकता। अच्छा, यदि ऐसा है काशी भाई, तो आपका ये खेल हम सब भी देखना चाहेंगे। और आपका बेटा हार गया तो बाजीराव तुम्हारा।